जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ काल का एस्पिरेशनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट सितंबर 2021। वृषभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लग्न कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर दो नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लग्न है और तब ये भविष्य कथन आपके लिए होगा। क्योंकि भविष्य कथन हमने लग्न से दिया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका वृषभ लग्न है अथवा नहीं। इसके लिए लग्न के अंतर्गत दो नंबर लिखा होना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, वृषभ लग्न जो होता है एक स्थिर लग्न है और प्रतितत्व लग्न है। स्थिर लग्न के कारण इस लग्न के जातक अथवा जातिकाएं जो है एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता के साथ जो है जीवन के कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, मन लगाकर किसी भी कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही प्रतितत्व लग्न होने के कारण ऐसे इस लग्न के जातक अथवा जातिकाओं में सहन शक्ति, मजबूती काफ़ी अधिक पाई जाती है। ये व्यक्ति स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं और कभी कभी इनका स्वाभिमान जो होता है वो क्रोध का भी रूप धारण कर लेता है, क्योंकि इसका इनका जो स्वभाव होता है वो वृषभ के जैसे होता है। कठिन परिश्रमी होते हैं, कठिन परिश्रम के साथ साथ मतलब पूर्ण रूप से कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ये अपना कार्य करते रहते हैं। और साथ ही क्या होता है कि जब तक इन व्यक्तियों को कुछ कहता नहीं है, सामने से व्यक्ति कोई छेड़ता नहीं है, तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे, शांति से काम अपना करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई इनको परेशान करेगा तब ये उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। अब हम बात करते हैं सितंबर माह के अंतर्गत क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या मासिक फल क्या रहेगा आपका जो है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हम लग्नेश की बात कर लेते हैं। लग्नेश यहाँ पर शुक्र बनते हैं, शुक्र से प्रभावित तो ये रहते ही हैं क्योंकि शुक्र का लगन है, तो यहाँ पे लग्जरी वगैरह की चीज़ों पर जो खर्च भी करते हैं और उनको पसंद भी ये करते हैं। देखिए, अब ये लग्नेश शुक्र बनते हैं और शुक्र का जो गोचर है 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो ये तुला राशि अर्थात जो है षष्ठम भाव के अंतर्गत 6 सितंबर से होगा। 6 सितंबर से अगर पहले की बात करें तो लग्नेश पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि आपको जो है ज्ञान के प्रति, प्रेम के प्रति जो है आकर्षित कर रहा था। लेकिन साथ साथ वहाँ पे नीचत्व अवस्था के होने के कारण जो है थोड़ा सा वहाँ पे अपने आप को व्यक्ति कमजोर भी महसूस करता है, लेकिन वहाँ पर उस तरफ जो है व्यक्ति का ध्यान जा रहा था। अब इस माह में 6 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें, क्योंकि अब ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर अब परिणाम जो मिलेगा अब षष्ठम भाव का मिलने वाला है इस माह के अंतर्गत, तो लग्नेश षष्ठम भाव के अंतर्गत शुक्र जैसे ग्रह स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत जो है तुला राशि के अंतर्गत स्वग्रही रहेंगे। साथ ही यहाँ पर एक बात और है, विपरीत राजयोग की भी स्थिति आएगी। अब एक बात और यहाँ पर है कि लग्नेश को षष्ठेश होने का यहाँ पे दोष नहीं लगेगा। एक स्थिति तो ये है कि अगर आप ऋण लेना चाह रहे थे लंबे समय से, तो अब आपको ऋण मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, लोन पास हो जाएगा आपका। लेकिन लोन की तरफ अब कुछ व्यक्ति ना भी लेना चाह रहे तो उनका लोन की तरफ, कर्ज की तरफ ध्यान जा सकता है और यहाँ पर इसकी वृद्धि होते हुए दिखती है। तो कर्ज का संबंध आपके जीवन में आ सकता है। साथ ही जो व्यक्ति नौकरी पाने की चाह रख रहे थे, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ थोड़ी सी विपरीत स्थिति जरूर बनेगी। हो सकता है शुरुआत में जो है माह के अंतर्गत जो है थोड़ा 6 सितंबर के बाद थोड़े दिन तक जो है थोड़ी सी समस्या आपको बने, लेकिन फिर अचानक से आपको जो है यहाँ पर लाभ की स्थिति, मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि विपरीत राजयोग के थोड़ा सा विपरीत स्थिति शुरुआत में बना सकते हैं, लेकिन आपको जो फल हैं यहाँ के वो अवश्य प्राप्त होते दिखाई देंगे। तो जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते थे उनको नौकरी भी प्राप्त होगी। जो प्रतियोगिता में जो है कंपटीशन वगैरह में भाग ले रहे हैं उनके लिए भी ये समय जो है अच्छा रहने वाला है, वहाँ पर भी जो है सफलता के योग जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर जो है रोग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हेल्थ में शुरुआती दौर पर खराब हो सकता है, लेकिन क्या है हेल्थ भी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए ये भी फायदेमंद रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट लेकर आएगा। हेल्थ वगैरह से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको भी आप मतलब जो है उसको भी पार पालोगे, मतलब उसमें भी कोई बहुत बड़ी इश्यू जो है आपके साथ नहीं आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शुक्र जो है यहाँ पर बैठ के 12वें घर से संबंध बनाएंगे, 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे और यहाँ पर देखिए ये रोग भाव है एक तरीके से, और यहाँ पे शुक्र जैसे भोग के कारक ग्रह आते हैं, तो याद रखिएगा भोग की तरफ अगर ध्यान जाता है तो वो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रोग जैसी स्थिति बन सकती है, थोड़ा केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही शुक्र का प्रभाव के कारण आपको घूमने फिरने का विदेश से संबंध भी आ सकता है, घूमने फिरने का शौक बढ़ सकता है, इस समय के अंतर्गत घूमने फिरने जा सकते हैं और वहीं पर आपका व्यय भी, खर्च भी होता हुआ दिखाई देगा। लग्जरी चीजों के ऊपर जो है आपका खर्च होता हुआ दिखाई देगा, आप भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होकर वहां पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, ये परिणाम यहां पर पता लगता है।
साथ ही देखिए शुक्र जो है क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी है और षष्ठेश भी, इस तरह से यहाँ पे परिणाम की स्थिति पता लगती है। और एक बात देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सूर्य की स्थिति को देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति जो है 17 सितंबर तक सिंह राशि के अंतर्गत सूर्य स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत आपकी कुंडली के गोचर करेंगे। क्या परिणाम देंगे यहाँ पर देखिए, सूर्य स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है, इससे पहले मंगल भी 6 सितंबर से पहले की अगर हम बात करें, मतलब शुरुआती वीक की अगर हम बात करें सितंबर माह की, और जो है 6 सितंबर से पहले, मतलब कहीं ना कहीं सूर्य मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर अग्निकारक ग्रह, इस तरह के ग्रह मन के अंदर एक ऊर्जा और उत्साह तो देते हैं, आक्रोश भी देते हैं, क्रोध भी देते हैं, साथ ही घर के अंदर व्यक्ति कलह भी कर देता है, ऐसी स्थिति बना देते हैं। साथ ही देखिए सूर्य जैसे ग्रह मन के अंतर्गत बैठे हैं, मतलब आपका आत्मविश्वास की अगर हम बात करें, मनोबल की बात करें, वो बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही माता के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। 17 सितंबर तक आप को अगर बात करें तो आपको अपनी माँ का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और करना चाहिए उस समय के अंतर्गत, ऐसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं माता के जब स्वाभिमान में वृद्धि होगी तो वहाँ पर उनके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, और वहाँ पे अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो फिर घर के अंदर एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। सूर्य सरकारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सूर्य के कारण यहाँ पर आपको जो भी व्यक्ति सरकार से संबंधित जो भी कुछ तैयारी वगैरह किसी भी तरीके का जो है काम कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र में भी उन्नति के योग जो है सरकारी काम में भी सफलता के योग दिखाई देते हैं। किसी के हो सकता है कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ, वो भी वहां पर पूरा होते हुए दिखाई देंगे। चतुर्देश चतुर्थ भाव में स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत है, तो देखिए ये तो रहता है कि घर का सुख वगैरह जो है इन सब में वृद्धि रहेगी, भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि रहेगी, लेकिन सूर्य का प्रभाव थोड़ा घर के अंदर एक कलह की स्थिति जो है ये बनाएगा, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन सूर्य की 17 सितंबर तक यहाँ पे ये स्थिति बताती है थोड़ा घर के अंदर कलह की स्थिति बन सकती है। आपके भी स्वाभिमान मजबूत रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, ये सब चीज़ें रहेगी। और साथ ही सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा, सूर्य की सातवीं दृष्टि से, सूर्य सातवीं दृष्टि से जो है कर्म क्षेत्र पर देखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉस की निगाहें आप पर रहेगी या सरकार की निगाहें आप पर रहेगी, तो गलत काम करने से बचेगा, किसी भी प्रकार का गलत काम ना करिएगा अन्यथा पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सामने से जो है सरकार, सूर्य सरकार है, सूर्य समाज है, सूर्य आपके बॉस हैं, आपके घर के अंतर्गत हेड हैं अगर हम बात करें तो, जो भी हेड है वो सूर्य जो है वो देख रहा है आपको जो है, तो वहां पर आपको जो है ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की गलती करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही बात करते हैं कि जो चतुर्थेश सूर्य है ये 17 सितंबर के बाद कन्या राशि के अंतर्गत ये पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, और आपके लव अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ की बात करते हैं, इन सब चीज़ों का भाव है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को सावधान हो जाना चाहिए, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह, मंगल रक्त का कारक है, सूर्य भी यहाँ पे है गर्भ को जलाने का कार्य कर देते हैं, तो यहाँ पे गर्भपात जैसी स्थिति मिसकैरेज होने की संभावनाएं बन जाती है, तो डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा। और ये समय देखिए मंगल की भी स्थिति जो है 6 सितंबर के बाद से कन्या राशि में रहेगी, सूर्य की भी रहेगी, करीबन एक महीने का समय आपको बिल्कुल सावधान, आपके लिए बिल्कुल चुनौती वाला है, गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, 17 सितंबर से एक माह तक बिल्कुल सावधान रहने की यहां पर आवश्यकता रहेगी। देखिए सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर जो है अब संतान के स्वाभिमान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी, साथ ही संतान के साथ भी जो है संबंधों में समस्या आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अभी यहाँ पे संतान के कारण जो है आपको अपनी संतान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है संतान के लिए भी मतलब जो है। और साथ ही यहाँ पे देखिए पंचम भाव से हम लव रिलेशंस को भी देखते हैं, तो लव रिलेशंस में भी, प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सूर्य के प्रभाव के कारण एक अहंकार की स्थिति, ईगो की स्थिति आ सकती है, तो यहाँ पर। और देखिए सूर्य और मंगल जैसे ग्रह हैं तो भी इस माह के अंतर्गत आपको अपनी संतान साथी प्रेम संबंध इनको सुधार कर रखने की आवश्यकता है, इसमें समस्या बन सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे ग्रह ये कलह की स्थिति बना सकते हैं, और इनकी संबंधों के कारण जो है अहंकार के कारण जो है थोड़ा समस्या आ जाती है जो है संबंधों में। साथ ही इनकी इन पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध जैसे ग्रह रहेंगे, जिसके कारण आय की स्थिति अच्छी होती दिखाई देगी, इनकम की अगर हम बात करें, लाभ की अगर हम बात करें, तो वहां पे फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही सूर्य का प्रभाव पंचम भाव ज्ञान भाव के अंतर्गत आपको बुद्धिमान तो बनाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, आप अपने ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, आप शोफ करेंगे अपने जो है जो नॉलेज है अपनी, उसको शोफ करते हुए दिखाई देंगे, ये स्थिति भी यहां पर पता लगती है। ज्ञान को लेकर भी एक अहंकार की स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल की। अगर हम बात करें मंगल 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे, और साथ ही देखिए मंगल जो है यहां पर
सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश व्ययेश भी हैं। देखिए ये व्ययेश बनकर जो है मंगल जब पंचम भाव के अंतर्गत बैठेंगे, व्ययेश होना यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में, वैसे यहाँ पर स्थिति अच्छी है इस माह के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे बुध की भी स्थिति है, बुध यहाँ पर जो है पंचम भाव के स्वामी बनकर हैं, साथ ही यहाँ पर धन भाव के स्वामी बनकर भी हैं और ये स्थिति अच्छी हैगी। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है, लेकिन और साथ ही गुरु की भी दृष्टि है, तो ये प्रभाव रहेगा कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्ययेश बनकर भी मंगल आए हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि इस समय बुद्धि अच्छी काम करेगी आपकी जो है, तो आप जो है शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे तो लॉस ज्यादा नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली में रहेंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर संभलने की आवश्यकता रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए मंगल जो है सप्तमेश भी होकर जो है पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, पंचमेश बुध के साथ रहेंगे 22 सितंबर तक। तो ये है कि इस समय जो भी आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं विवाह के लिए जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंतर्गत आपके परिवार का जो है सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। बस ध्यान रखना है, थोड़ा कलह की स्थिति बढ़ सकती है पारिवारिक यहाँ पर संतान के साथ जो है प्रेम संबंधों में, लेकिन फिर भी वो संबंध जो है आगे बढ़ते हुए आपको जरूर नजर आएंगे, कि वे संबंध जहां तक आप प्रेम संबंध रखते हैं वे आगे विवाह के लिए जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण जो है आपकी जो बुद्धि होगी और या डिसीजन जो आप ले रहे होंगे, क्योंकि बुध का भी प्रभाव रहेगा, तो बुध और मंगल रहेंगे और सूर्य भी रहेंगे, तो ये प्रभाव रहेगा कि आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में, हो सकता है आप शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ की इच्छा के कारण जो है आप उसमें थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले तो वहाँ पर बचिएगा जो है, क्योंकि आपकी बुद्धि जो होगी इस समय के अंतर्गत जो है काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे और ऊर्जा रहेगी, मेंटली तौर पर भी आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे आपको जो है, तो यहाँ पर आपको इन सब बातों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं, देखिए बुध की भी अगर हम बात करें, तो बुध की बात अगर हम करते हैं तो बुध जो है 26 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि के अंतर्गत बुध स्वग्रही अवस्था और ये आपके धन भाव के स्वामी बनकर जो है पंचम भाव से संबंध बनाएंगे। और एक बात और है यहां पर इस माह के अंतर्गत ये भी पता लगता है कि आप अपने ज्ञान के लिए जो है एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें विदेश संबंध भी आपका आ सकता है, आप आगे जो है थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी स्थिति यहां पर पता लगती है। विदेश से अगर आप चाह रहे थे शिक्षा ग्रहण करना तो उन सब कार्यों के लिए आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। साथ ही विद्या अर्जन के भी जो है आपको जो है आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा, बुध यहां पर उचके हो जाएंगे और ये जो है साथ ही आपका जो धन संचय नहीं हो पा रहा था अब वो धन संचय भी होता हुआ दिखाई देगा, उसकी स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है। साथ ही वाणी में भी एक मतलब वाणी के अंतर्गत एक आत्मविश्वास की अगर हम बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात करें, मतलब जब आप बोलोगे तो काफी ऊर्जा के साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है बोलते हुए नजर आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी नजर होती हुई दिखाई दे रही है, ये स्थिति भी यहां पर पता लग रही है। साथ ही देखें यहां पर बुध का प्रभाव जो है, बुध यहां पर धनेश भी हैं, पंचमेश भी होकर आए हुए हैं और ये कन्या राशि के अंतर्गत 22 सितंबर तक रहेंगे, 22 सितंबर के बाद जो है ये तुला राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, वहां पर आपको थोड़ा संभलने की आवश्यकता रहेगी अपने ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत एजुकेशन के लिए, अन्यथा इससे पहले ज्ञान के मामलों के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए स्टूडेंट लाइफ अगर आप जी रहे हैं, स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है 22 सितंबर तक का समय अगर हम बात करें। साथ ही हम बात करते हैं यहां पर देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु और शनि की अगर हम बात करते हैं ये दोनों ग्रह वक्री अवस्था के अंतर्गत है और गुरु आपके देखिए यहां पर अष्टमेश भी हैं और साथ ही जो है लाभ भाव के स्वामी बनकर जो गुरु का संबंध हो रहा है वो नवम भाव से हो रहा है, गुरु शनि दोनों वक्री अवस्था के अंतर्गत है। इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है आपको अपने पिता के लिए, अगर हम बात करें तो पिता की अगर हम बात करें, गुरु की अगर हम बात करें, धर्म की अगर हम बात करें, वहां पर आपका फोकस रहना चाहिए जो है उस भाव से संबंधित। थोड़ा सा जो भाग्य आप कमजोर महसूस कर रहे थे वहां पर देखिए थोड़ा फायदा नजर आता हुआ दिखाएगा, मतलब इस माह के अंदर भाग्य का साथ आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति आपके साथ बनेगी। और थोड़ा सा जो आपके पिता के साथ जो कुछ कर्म या फिर ऐसी स्थिति जो है या फिर आपके जो मित्रों के साथ दोस्तों के साथ या फिर आपके जो इनकम से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिस पर आपको जो है पीछे जाकर जो है अपने जीवन में जो है जाकर देखना होगा कि क्या आपने कुछ मिस्टेक तो करी, उनको यहां पर सुधारने की आपको आवश्यकता रहने वाली है और यह स्थिति यहां पर दिखाई देती है। साथ ही देखिए गुरु की अगर हम बात करें, गुरु की दृष्टि भी लगन पर जो कि राहु जो आपके दिमाग के ऊपर जो है काफी प्रभाव डाल रहा था, आपकी बुद्धि को इधर उधर मतलब जो है मतलब आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी वहां पर जो है एक जो है तो वहां पर जो है उसको राहु पर भी कंट्रोल आएगा, यह स्थिति भी यहां पर पता लगती है। वैसे राहु लगन में बैठा हुआ शुक्र की राशि के अंतर्गत एक अच्छी खासी डिजायर व्यक्ति को देता है आगे बढ़ने की, यह बात तय है, लेकिन वो क्या
करता है वो आगे भी, मतलब वो फिर चारों तरफ जो है उसका दिमाग जाता है, लेकिन यहाँ पे गुरु की दृष्टि क्या करेगी, एक तरफ दिमाग जाएगा और उसमें जो है उसको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाएंगे आगे बढ़ने के लिए, समाज में नाम पहचान बनाने की यहाँ पर जो है जो राहु द्वारा कोशिश हो रही है उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही देखिए यहाँ पर गुरु की सातवीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी, और यहाँ पर देखिए पराक्रम में वृद्धि भी दिखाएंगे, पराक्रम में क्योंकि शनि का भी प्रभाव है तो मेहनत तो पूरी कर दिखाई दे रही है, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर जो है अगर आप जो है मतलब न्यूज़ मीडिया वगैरह जो है इनसे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया वगैरह से। साथ ही आप जो है अगर कुछ आप लिख रहे हैं, लिखने का शौक रखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, उनको भी काफ़ी सराहा जाएगा उस कार्य को भी जो है। साथ ही नवी दृष्टि से जो है पंचम भाव पर पड़ती है, तो ये बात है कि गर्भवती महिला को सावधान रहना है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको जो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर जो है जो व्यक्ति संतान प्राप्ति भी चाहते हैं उनके लिए भी समय जो है अच्छा रहेगा। इसी के साथ शनि का जो प्रभाव जो भाग्य को इस तरीके थोड़ा आपको कमजोर महसूस हो रहा था उसमें भी जो है सुधार आएगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव जो है, गुरु 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जो है मकर राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। 14 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो ये गुरु अपना प्रभाव अच्छा होता हुआ दिखाई देंगे, जिसके कारण जो है मतलब आपको भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बस थोड़ा सावधान रहना है, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना चाहिए जो है। ये स्थिति यहाँ पर पता चलती है, गुरु का सम्मान करिए, गुरु की आज्ञा का पालन करिए, गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलिए, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा इस हिसाब से अगर हम बात करें। साथ ही आपको वैवाहिक जीवन के अंदर क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एक असंतोष की स्थिति बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ बनी रह सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब जो है उनके साथ आपको जो है थोड़ा कॉपरेट करने की अभी आवश्यकता रहेगी। इसके साथ देखिए शुभ दिनों की अगर हम बात करते हैं, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं, तो यह है 1 से 3, 5 से 7, 7 से 10, 18 से 20, 20 से 23 और 28 से 30 का दिन जो है आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही इस माह के अंदर जो व्यक्ति नौकरी पाना चाहते हैं पूर्ण प्रयास करिए, इन डेट्स पर अपना इंटरव्यू अगर आपका शेड्यूल हो जाता है तो आपको जो है एक अच्छा जो है मतलब रिजल्ट मिलने की जो है आपके जो है संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अशुभ दिनों के अंतर्गत 10 से 12, 14 से 16, 23 से 25 का दिन रहेगा, और इस समय के अंतर्गत जो है थोड़ा सा आपका मूड अपसेट रह सकता है, मानसिक रूप से अशांति रह सकती है, और किसी प्रकार का झगड़े का या फिर हेल्थ इश्यू आपका आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्रा के योगों की अगर हम बात करते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल 10 से 12 और 14 से 16 तक की हो सकती है, और एंजॉयमेंट अगर आप मनोरंजन के लिए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो 12 से 14 का रहेगा, साथ ही 23 से 25 का भी रहेगा। 23 से 25 के समय पे थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह से भी संबंध आ सकता है। स्पिरिचुअल वर्क अगर आप जो है स्पिरिचुअली हो सकते हैं कोई तीर्थ यात्रा या मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं तो यहाँ 16 से 18 का दिन यहाँ पे अच्छा रहेगा, साथ ही ट्रेवल विद हार्ड वर्क के साथ जो है 3 से 5 तारीख का दिन जो है रहने वाला है। इसके साथ आप यहाँ पे एक बात और दे सकते हैं कि जब चंद्रमा जो है तुला राशि के अंतर्गत जाएंगे तो ये आपका पराक्रम भाव का स्वामी बनकर चंद्रमा का संबंध षष्ठम भाव से आएगा, तो ये रहेगा कि तुला राशि के अंतर्गत जो है 10 से 12 का जो दिन रहेगा जो कि हमने अशुभ दिनों में बताया, ये समय आपके लिए जो है थोड़ा सा संघर्ष का समय रहेगा, ये समय आपके लिए थोड़ा पराक्रम का समय रहेगा। हो सकता है आप अपनी नौकरी के लिए इस समय पराक्रम करते हुए दिखाई दें और ये पराक्रम आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, थोड़ा सा कष्ट में रहेगा लेकिन फिर भी सफलता की ओर लेकर जाएगा, और थोड़ा झगड़े वगैरह से इस समय के बीच में बचना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा आप अपने पराक्रम का उपयोग हो सकता है किसी के झगड़े में ना करें इस 10 से 12 के समय में जो है थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ 23 अगस्त 2021 से 20 सितंबर तक भाद्र का महीना रहेगा, और 21 सितंबर से जो है अश्विन माह जो लग जाएगा उसके कृष्ण पक्ष को जो है जो कि श्राद्ध पक्ष होता है, तो इस समय के अंतर्गत आप अपने घर के जो पितृदेव होते हैं जो भी आपके घर के पूर्वज जो भी आप श्राद्ध वगैरह करते हैं जिनका तो आप वो कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग आप ले सकते हैं। अमावस्या इस माह के अंतर्गत 6 सितंबर 2021 की रहेगी जो कि 6 सितंबर 2021 7:38 AM से आरंभ हो जाएगी और 7 सितंबर को 6:31 AM तक रहने वाली है। साथ ही उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए इस माह के अंतर्गत, तो आपको संकट मोचन हनुमानष्टक हनुमान चालीसा का जो है पाठ करना चाहिए या गुरु मंत्र का जाप, कोई भी गुरु मंत्र आपके जो गुरु द्वारा प्रदत्त हो या फिर गुरु के बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही मेडिटेशन करिएगा और श्री सुख का पाठ जो है आप प्रतिदिन जो है संध्याकाल के समय करिएगा तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसमें आपको कोई भी संदेह हो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।